विनोद कांबली उन चंद क्रिकेटर्स में से एक है जिन्होंने कम उम्र में ही अपने नाम बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कर लिए, और कुछ रिकॉर्ड्स तो ऐसे हैं जो आज तक कोई बीट नहीं कर पाया है। सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त, दोनों ने साथ में क्रिकेट खेलना सीखा है, दोनों ने करीब करीब आसपास ही इंडियन क्रिकेट टीम के लिए डेब्यू किया, लेकिन आज सचिन तेंदुलकर कहाँ और विनोद कांबली का क्रिकेट करियर जो है वो तो 23 साल की उम्र में ही खत्म हो गया। लेकिन क्रिकेट करियर ओवर होने के बावजूद विनोद कांबली न्यूज़ में बने रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद कांबली ने पहली शादी के बाद उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था एक फैशन मॉडल के साथ, और तो और शादी में रहते हुए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया था, और उसके बाद गर्लफ्रेंड के बच्चा होने के 4 साल बाद उन्होंने उस गर्लफ्रेंड से शादी की। विनोद कांबली ने पहली शादी की थी ईयर 1998 में। नॉइला लेविस उनकी वाइफ का नाम था। विनोद कांबली की पहली बीवी पुणे के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। विनोद कांबली भी इसी होटल में रुके थे, और इस दौरान उन्हें नॉइला बहुत पसंद आ गई, जिसके बाद उन्होंने 98 में नॉइला के साथ शादी कर ली। ये शादी ठीक ठाक चली, लेकिन 2004 से इन दोनों की शादी के बीच तकलीफ तब आ गई जब विनोद कांबली का नाम दूसरी लड़कियों के साथ जुड़ने लगा। इसी बीच खबर आई कि विनोद कांबली एक फैशन मॉडल एंड्रिया हैविट को डेट कर रहे हैं और उनके साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। विनोद कांबली जब भी बाहर जाते तो एंड्रिया से मिलते और उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। इसी दौरान एंड्रिया प्रेग्नेंट हो गई। इधर विनोद कांबली की पहली वाइफ नॉइला को जब पता चला कि उनके पति का अफेयर है और अब उस अफेयर से एक बच्चा भी आने वाला है, तो 2010 में नॉइला विनोद कांबली के साथ अलग हो गई। उन्होंने विनोद कांबली से डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स के कुछ ही महीनों में विनोद कांबली का एंड्रिया के साथ एक बेटा हुआ। तब विनोद कांबली और एंड्रिया की शादी भी नहीं हुई थी। बेटा जब 4 साल का हुआ 2014 में विनोद कांबली ने मुंबई में एंड्रिया के साथ शादी की। इस शादी में बेटा भी उनके साथ था। बेटे के साथ शादी की तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई। इनफैक्ट इस शादी के लिए विनोद कांबली ने खुद का धर्म परिवर्तन कर लिया, वो क्रिश्चियन बन गए और बेटे को भी एक क्रिश्चियन नाम दिया। कहा जाता है कि विनोद कांबली ने इस शादी से काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, और इस शादी में उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड सचिन तेंदुलकर को भी इनवाइट किया था, लेकिन सचिन तेंदुलकर नहीं पहुंचे थे, जिससे काफ़ी खबरें बनी थी। हालांकि एक रियलिटी शो के दौरान विनोद कांबली सचिन को लेकर भी खुलासा कर चुके हैं कि सचिन ने स्टार बनने के बाद उन्हें साइडलाइन किया और दोस्ती भूल गया, इस बात का दुख उन्हें हमेशा रहेगा। यह है कहानी क्रिकेट फ्रेटर्निटी के उस स्टार की, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि इंडियन क्रिकेट को बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन क्रिकेट तो बैक सीट ले गया और कंट्रोवर्सीज इनके साथ चलती रही। आज भी विनोद कांबली को लेकर जब भी कुछ खबर आती है तो वो या तो मारपीट की, एक्सीडेंट की, या किसी कॉन्ट्रोवर्सी की ही आती है।